नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2023 में विवाह के योग बनेंगे अन्यथा नहीं बनेंगे, और बनेंगे तो कौन कौन से महीनों में बनेंगे। विवाह के कारक ग्रह गुरु होते हैं। गुरु राशि से जब भी शुभ भाव में गोचर करते हैं तो विवाह के योग बनते हैं, और राशि से यदि अशुभ भाव में गोचर करते हैं तो विवाह के योग नहीं बनते। गुरु यदि राशि से चौथे भाव में गोचर कर रहे हो, या आठवें भाव में गोचर कर रहे हो, या बारहवें भाव में गोचर कर रहे हो, तो उस वर्ष विवाह का योग नहीं बनता है, क्योंकि मुहूर्त नहीं होता है। और यदि गुरु द्वितीय भाव में, चौथे भाव में, छठे भाव में और दसम भाव में गोचर करते हैं तो ऐसे में विवाह का योग तो बनता है, लेकिन विघ्नों के साथ विवाह होते हैं। वृश्चिक राशि के अनुसार से यदि बात करें तो गुरु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं, और यहां पर शुभ माने जाते हैं, तो विवाह का योग बनेगा, बहुत अच्छा विवाह का योग बनेगा। लेकिन कब तक बनेगा? 22 अप्रैल 2023 तक। 22 अप्रैल 2023 तक बहुत अच्छे योग है, लेकिन उसके बाद जब गुरु आपके छठे भाव में गोचर करेंगे तो विघ्नों के साथ विवाह होगा। जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में विवाह के योग रहेंगे। 15 मार्च तक विवाह के बहुत अच्छे योग हैं, और 15 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक खर मास रहेगा, और खर मास में कोई भी विवाह के मुहूर्त नहीं होते। और 1 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक गुरु अस्त रहेंगे तो भी विवाह के मुहूर्त नहीं रहेंगे। तो जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में और 15 मार्च तक विवाह कर सकते हैं। उसके बाद मई के महीने में और जून के महीने में और नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में, तो इन महीनों में आप विवाह कर सकते हैं। लेकिन छठे भाव में 22 अप्रैल 2023 के बाद गुरु गोचर करेंगे तो फिर विघ्न जरूर आएंगे, परेशानियां आएंगी, और विवाह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन 22 अप्रैल के पहले मार्च तक बहुत तगड़ा योग है, जबरदस्त योग है, और मई के महीने में, जून के महीने में, नवंबर के महीनों में, दिसंबर के महीने में थोड़ा सा विघ्न जरूर आएंगे, परेशानियां जरूर आएंगी, लेकिन विवाह आप कर सकते हैं। विवाह का योग आपकी गोचर कुंडली के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से बनता है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893।